Hello, students. How are you? Hope you are fit and fine. Welcome to your online classes. Myself, Shalini Agarwal. Today, we will read the second chapter, Alice and the White Rabbit of Class 5th. This chapter is about a little girl, Alice, who followed the White Rabbit. Students, we will read this chapter in two parts. Today, we will read the first part of this chapter now we will start our chapter one day alice was sitting beside a river with his her sister when someone something curious happened a white rabbit with pink eyes ran fast One then alice upni sister ke saat river ke pass baditi achanak kuch curious means interesting white rabbit with pink eyes वो भाग वहाँ से भागा ओ डियर ओ डियर आई शैल बी टू लेट ही सैड देन ही टुक अ वॉच आउट ऑफ हिज वेस्ट पॉकेट एंड हर ऑन रैबिट बोला ओ डियर ओ डियर मैं बहुत लेट हो जाऊंगा फिर उसने अपनी वेस्ट पॉकेट मीन्स छोटी सी पॉकेट से एक वॉच निकाली और जल्दी से भागा अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ नाउ यूल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ एलिस क्विकलीब टू हर फीट एंड फॉलो द रेबिट डाउन अ लार्ज रेबिट होल एलिस ने क्विकली मीन्स जल्दी से अपने फीट से लीव मीन्स जम्प किया और उसने रैबिट को फॉलो किया मीन्स रेबिट का पीछा किया किसने पीछा किया स्टूडेंट्स एलिस ने द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे एंड देन डिफ्ट सो सडनली दैट एलिस डिड नाट है टू स्टॉप हर सेल्फ शी फाउंड हर सेल्फ फॉलिंग डाउन जो रेबिट का होल था वो सीधा टनल में मीन्स सुरंग में जा रहा था और एलिस उस टनल में गिरती चली गई और यह सब इतना सडनली हुआ कि एलिस अपने आप को रोक नहीं पाई द मीनिंग ऑफ टनल इज एन अंडरग्राउंड वे मीनिंग ऑफ टनल इज एन अंडरग्राउंड वे मीन्स एक सुरंग आई मस्ट बी गेटिंग नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ एलिस टू हर सेल्फ डाउन 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 एलिसप्ट फॉलिंग गिरते टाइम एलिस ने सोचा कि मैं अर्थ के सेंटर के पास पहुंच गई हूँ और वो नीचे और नीचे एलिस गिरती गई स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ नाविल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ सडनली शी लैंडेड इन अ हीप एट द बॉटम वैन शी गॉट अप शी फाउंड हर सेल्फ इन अ लॉन्ग हॉल लाइंड विद डोज एट द एंड वॉज अ लिटिल थ्री लेग्ड ग्लास टेबल नाव एलिस सडनली अचानक क्या हुआ एक ढेर पर जा गिरी एलिस गॉट अप उस वो खड़ी हुई और उसने देखा एक लम्बे उसने अपने आप को एक लंबे हॉल में पाया जहाँ पर लाइन से बहुत सारे गेट लगे हुए थे और उस हॉल के एंड में एक थ्री लेग मतलब तीन टांगों वाली ग्लास टेबल भी थी देयर वॉज नथिंग ऑन इट बट अ टाइनी गोल्डन की एलिस ट्राइड द की इन ऑल द डोर्स बट इट वुड नॉट ओपन एनी ऑफ देम उस टेबल पे कुछ नहीं रखा था सिर्फ क्या रखा था एक गोल्डन की रखी थी एलिस ने उस की से सारे डोर्स को खोलने की कोशिश करी बट कोई भी डोर नहीं खुला स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ Now we will read the next paragraph. Then she noticed a low curtain she had not seen before. Behind it was a tiny door. Then Alice noticed that there was a curtain. It means a tha, which was a small door. She turned the key in the lock and it opened. The door led into a beautiful garden. But Alice could not even get her head. थ्रू द डोर वे शी वेंट बैक टू द टेबल एंड सो अ लिटिल बॉटल लेबल्ड ड्रिंक मी एलिस ने की उस लॉक में लगाई और वो डोर खुल गया वो डोर एक ब्यूटिफुल गार्डन में खुलता था बट एलिस बहुत बड़ी थी और वह डोर बहुत छोटा था एलिस का तो हेड भी उस सिर भी उस डोर से नहीं निकल पा रहा था एलिस वापस टेबल पर आई और उसने देखा टेबल पे एक छोटी सी लिटल बॉटल रखी थी जिसपे लिखा था उस पर लगा हुआ था क्या ड्रिंक मी me. मतलब मीन्स मुझे पी लो स्टूडेंट स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ लेबल इज अ स्ट्रिप रिटन समथिंग ऑन इट द मीनिंग ऑफ लेबल इज अ स्ट्रिप रिटर्न समथिंग ऑन इट स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ वंस शी वॉज श्योर इट

बट एलिस जब उस डोर को खोलने के लिए गई तो उसे याद आया शी रिमेम्बर कि उसने जो गोल्डन की है वो तो टेबल पे ही रह गई थी स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ स्मॉल द मीनिंग ऑफ इज टू बिकम स्मॉल एलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे फिर उसने टेबल पे एक केक देखा जिसपे लिखा था ईट मी एलिस एट इट एंड बिगैन टू ग्रो सोन शी वॉज सो लार्ज दैट हर हैड टच दीलिंग एलिस ने वो केक खा लिया और जल्दी एलिस बड़ी होती होने लगी वो इतनी बड़ी हो गई कि उसका जो सर था वो सीलिंग को टच करने लगा सीलिंग मीन्स ऊपर छत को जो हॉल की जो छत थी उसको टच करने लगा नाउन यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ ना यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ एलिस बिगैन टू क्राई एंड सोन

सोच रही थी कि वो क्या करे कि अचानक वहाँ वाइट रैबिट आ गया वही वाइट रैबिट जिसके पीछे एलिस यहाँ तक आ पहुंची थी उस वाइट रैबिट के पास एक पेयर्स था वाइट ग्लव्स का और एक लार्ज फैन भी था इफ यू प्लीज सर बिगैन एलिस एलिस ने रैबिट से कहा कि तुम प्लीज मुझे दे दो द रैबिट ड्रब द ग्वस एंड फैन एंड स्क्रीड अवे द मीनिंग ऑफ स्क्रीड इज ran away quickly. The meaning of carried is ran away quickly. Rabbit ने gloves और fan drop किए, मतलब गिरा दिए और वो वहाँ से जल्दी ही भाग गया. How strange everything is today, said Alice, picking up the gloves and the fan. I am not myself at all. आज सब कुछ कितना strange है, Alice ने कहा और उसने gloves और fan उठा लिए. Alice said टू हर सेल्फ उसने अपने आप से कहा उसको ये लग रहा था कि मैं आज खुद मैं नहीं हूँ मतलब उसे ऐसा इतना अजीब सा लग रहा था वो क्या बोली आई एम नॉट नॉट माई सेल्फ एट ऑल देन शी बिगैन फॉलोइंग हर सेल्फ एज शी बॉन्डेड हु शी माइट बी इंस्टेड अब एलिस ने अपने ऊपर फैन से हवा करते हुए सोच रही थी कि वो कौन है नाउ स्टूडेंट डू अंडरस्टैंड वॉट वी रेड टूडे Student we will we will continue our chapter in our next class. Thank you and bye bye students. Be at home and be safe.